बॉडी वेट एक्सरसाइज सारी बेस्ट होती हैं, और बॉडी वेट एक्सरसाइज तो सबको करनी ही चाहिए। पुशअप्स उन्हीं में से एक है। पुशअप्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसे हर कोई कर सकता है। इसे आप कहीं भी कर सकते हैं, चाहे घर में, पार्क में या जिम में। इसके लिए किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। आप चाहे अपनी बॉडी का साइज बढ़ा रहे हैं या फैट लॉस कर रहे हैं, पुशअप सबके लिए बेस्ट है। अगर आप पुशअप नहीं करते तो ये आपको ज़रूर करनी चाहिए। पुशअप से पूरी बॉडी शेप में आती है, आपकी चेस्ट तो ग्रो होती ही है, साथ ही हाथों में ताकत भी आती है, आपकी बॉडी का पोस्चर सही होता है। वो भी बहुत फ़ायदे हैं पुशअप्स लगाने के। पर देखा गया है कि कई लड़के पुशअप सही तरह नहीं लगाते, वो बहुत गलती करते हैं जिस वजह से उनकी चेस्ट ग्रो नहीं हो पाती। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे उन मिस्टेक्स के बारे में जो अक्सर लड़के पुशअप करते समय करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी हेल्थ, फिटनेस, ब्यूटी, डाइट, बॉडी बिल्डिंग और सप्लीमेंट्स की रियल इन्फॉर्मेशन, ढेर सारी होम रेमेडीज और कई मोटिवेशनल वीडियोज़। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं पुशअप लगाने का सही तरीका क्या है, और लड़के पुशअप लगाते समय वो कौन सी मिस्टेक करते हैं जिस वजह से उनकी चेस्ट का साइज नहीं बढ़ता। इन गलतियों को ध्यान से देखना कि कहीं आप भी इनमें से कोई मिस्टेक तो नहीं करते जिस वजह से आपकी चेस्ट का साइज ग्रो ना हो रहा हो। तो चलिए बात करते हैं उन मिस्टेक्स की। मिस्टेक नंबर 1, हाथों की पोजीशन। आपको अपने हाथ शोल्डर विड्थ के बराबर ही रखने हैं, मतलब शोल्डर की सीध में मीडियम गैप पर ही अपनी हथेली रखें। कोई अपने हाथ शोल्डर से आगे रख लेता है तो कोई पीछे, जो कि गलत है। आपको अपने हाथ शोल्डर की सीध में ही रखने हैं। मिस्टेक नंबर 2, एल्बो पोजीशन। अक्सर देखा गया है कि जब लड़के पुशअप लगाते हैं तो कोई अपनी एल्बो ज़्यादा अंदर की तरफ रखता है तो कोई बाहर की तरफ। आपको अपनी कोहनी ना तो ज़्यादा बाहर की ओर रखनी है और ना इतनी अंदर कि एल्बो बॉडी के साथ चिपक जाए। आप अपनी एल्बो नॉर्मल पोजीशन में रखकर ही पुशअप्स लगाएं। मिस्टेक नंबर 3, बैक पोजीशन। पुशअप लगाते समय कोई अपनी बैक नीचे कर लेता है तो कोई अपने हिप ऊपर कर लेता है। इससे पुशअप का कोई फायदा तो नहीं होगा, आपकी चेस्ट तो ग्रो नहीं होगी, पर आपको बैक की इंजरी हो सकती है। आपको अपनी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, बिल्कुल सीधी रखनी है। मिस्टेक नंबर 4, नेक पोजीशन। कई लड़के पुशअप लगाते समय अपनी गर्दन अंदर की ओर झुका लेते हैं, जो कि गलत है। ऐसा करने से भी आपको नेक की, मतलब गर्दन या स्पाइन की इंजरी हो सकती है और आपका पोस्चर भी खराब हो सकता है। इसलिए हमेशा पुशअप लगाते समय गर्दन आगे की ओर रखें, एकदम सामने की ओर देखते हुए ही पुशअप लगाएं। मिस्टेक नंबर 5, पैरों की पोजीशन। कई लड़के पुशअप लगाते समय अपने पैरों के बीच गैप ज़्यादा रख लेते हैं, जो कि गलत है। परफेक्ट पुशअप यानी सही पुशअप लगाने का तरीका है कि आपको अपने पैर मिलाकर रखने हैं। ऐसा करने से आप में ताकत भी आएगी और पुशअप का फायदा भी ज़्यादा मिलेगा। मिस्टेक नंबर 6, रेंज ऑफ मोशन। कई लड़के हाफ पुशअप ही लगाते हैं, कोई आधा नीचे जाता है तो कोई आधा ऊपर आता है। पुशअप लगाते समय पूरा नीचे जाएं और फिर पूरा ऊपर आएं, ज़मीन पर टच करें। ज़मीन को सिर्फ टच करना है, ज़मीन पर रेस्ट नहीं करना। और ऊपर आके 1 सेकंड होल्ड करके अच्छी तरह अपने बाइसेप से, अपने ट्राइसेप से उसे हल्का सा चेस्ट को स्क्वीज करें और फिर नीचे जाएं। मिस्टेक नंबर 7, स्पीड। चेस्ट का साइज बढ़ाने के लिए पुशअप धीरे धीरे लगाएं, मसल माइंड कनेक्शन बनाकर चलें, चेस्ट को फील ज़रूर करें। कई लड़के पुशअप फास्ट फास्ट लगाते हैं, वो पुशअप में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, पर फिर भी फास्ट पुशअप लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। पुशअप्स लगाने का सही तरीका है बिल्कुल धीरे धीरे लगाएं, मसल माइंड कनेक्शन बनाकर चलें। मिस्टेक नंबर 8, कई लड़कों को ये भी नहीं पता कि सांस कैसे लेनी है। पुशअप लगाते समय जब नीचे जाएं तो सांस अंदर लें और ऊपर जाएं तो सांस बाहर लें। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो अक्सर लड़के पुशअप लगाते समय करते हैं और इसी वजह से उनकी चेस्ट ग्रो नहीं हो पाती। अगर आप भी इनमें से कुछ गलती करते हो तो उसे ठीक करें ताकि आपकी चेस्ट का साइज तेजी से बढ़ सके। और अगर इस तरह आपने पुशअप लगा ली तो 1 महीने में ही आपको अपनी चेस्ट में फर्क दिखेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो उन मिस्टेक्स पर जो अक्सर लड़के पुशअप लगाते समय करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, जिसे देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय दोस्तों।